सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो सामने देख रहे हैं, यहां पर हमें और आपको भविष्य में दो एक्सप्रेस वे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एक तो इस वक्त पे सामने हमें और आपको दिख रहा है जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, और इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे के साथ साथ हमें आने वाले वक्त में यहाँ पर देखने को मिलेगा द्वारका एक्सप्रेस वे भी, इंडिया का पहला अर्बन एक्सप्रेस वे। इस जगह पर उस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है, यानी कि इंटरचेंज यहां पर बनाया जाएगा जिसकी मदद से हम और आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, खिड़की दौला गुड़गांव है ये, और जाकर खत्म होगा शिव मूर्ति महिपालपुर दिल्ली में। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ इस इंटरचेंज का, क्योंकि ये इंटरचेंज इतना बड़ा है और इस इंटरचेंज के आसपास इतना सारा काम किया जा रहा है, तो इस पे एक अपडेट देना तो बनता ही है। कुछ दिनों बाद हमें और आपको ये ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, आज अगर आप देखोगे तो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे के ऊपर इसका जो एलिवेटेड पार्ट है वो हमें और आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट किया जाना है वो अभी नहीं किया गया है, और इसीलिए इन पिलरों के बीच में हमें और आपको गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, तैयारी पूरी हो चुकी है, और तैयारी हो चुकी है ताकि इस एलिवेटेड पार्ट को यानी कि फ्लाईओवर को दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के ऊपर से क्रॉस कराया जा सके, और इसकी वजह से ही यहां पर हमें और आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक्स्ट्रा लेन भी ऐड किए गए हैं, यानी कि ब्लैकटॉप का जो काम है वो किया गया है। NHAI से लेकर तो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उनसे LNT को गो हेड मिल गया है इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के ऊपर काम करने का मतलब यह है कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा होता है, तो आने वाले कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक हमें और आपको इस जगह पर स्लोडाउन देखने को मिलेगा जैसे ही LNT इस पॉइंट पे काम स्टार्ट करती है। तो अभी तो खैर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ तैयारी यहाँ पर चल रही है, और नोटिफिकेशन हर जगह जारी कर दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे के ऊपर जो काम है पिलर को कनेक्ट करने का वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ये यहाँ पर कमाल होने वाला है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा आपका कल होने वाला है। जब एक एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता है तो कितना आनंद आता है। अभी वैसे इस देश में बहुत ही कम पॉइंट है जहां पर हमें और आपको देखने को मिलेगा कि एक एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमें और आपको बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेसवे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां पर एक एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगा, और उसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? इस देश की तरक्की और हमारी आपकी तरक्की। बहुत सारा टाइम बचाने वाला है ये द्वारका एक्सप्रेसवे, और बहुत सारा टाइम बचाने वाला है UER2 2024 में बनकर तैयार होगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे, और UER2 भी जो कि तकरीबन 75 किलोमीटर लंबा पूरा प्रोजेक्ट है वो भी 2024 में बनकर तैयार होगा। अब जब फाइनली इसके पिलर को ज्वाइन किया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो एक ट्रिब्यूट तो देना बनता है इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा इसे होने वाला है इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को, क्योंकि अभी क्या है एयरपोर्ट जाना है तो यही एक्सप्रेसवे है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे दिल्ली जाना है यही रूट है। अगर आपको आगे चंडीगढ़ रोड पर भी कनेक्ट होना है इसी के जरिए लोग होते हुए जाते हैं, तो अब क्या होगा कि जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा ना, आसपास का जो ट्रैफिक है वो इंटर नहीं करेगा इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के जरिए, वो इंटर करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए जो कि ये बनाया जा रहा है, और सबसे बड़ा फायदा इसे होने वाला, 3 गुना ज़्यादा गाड़ियों का लोड है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। जी हाँ, तो आप समझ लीजिए कितना सारा प्रेशर कम होने वाला है इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का क्या कुछ काम चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखोगे तो हमें और आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर अंडरपास बनाया जा रहा है, और उस अंडरपास के जो फ्लोरिंग का काम है वो काम इस वक्त पे LNT और उसकी टीम कर रही है। तो ये यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा अंडरपास बनाया जाना है, साथ ही साथ ये अंडरपास का जो मिट्टी निकालने का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये जो रोड है इस रोड के ऊपर जो बॉक्स बनाने का काम है वो अभी नहीं किया गया। राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहीं से एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट होता है। अगर आप SPR रोड से होते हुए आते हैं
जिसके जरिए आप कनेक्ट करके द्वारका एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ये एलिवेटेड पार्क बनकर तो तैयार हो चुका है, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट तो कर दिया गया, एक्स्ट्रा जो विंग्स ऐड करने उसका काम अभी यहाँ पर नहीं किया गया है, फैक्ट किया जा रहा है। वैसे हमें आपको यहाँ पर मशीन भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ के आसपास जो जितने पिलर्स हैं उनको तो कनेक्ट कर लिया गया है एक्सप्रेसवे से पहले, ये जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे उससे पहले सारे पिलर्स कनेक्ट कर दिए गए हैं इस जगह पर। सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर इंतजार है इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को क्रॉस कराने का, और उसके बाद इस पे जो एक्स्ट्रा कंक्रीट का जो ये स्ट्रक्चर यानी कि विंग्स जो ऐड करना है उसका काम किया जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।